बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नो मी इन फो वर्ल्ड में खुश आमदेद। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो कि हम तवक्कलना किस तरह इस्तेमाल करेंगे और इसको किस तरीके से रियाजुल जन्ना में जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप जाइए गूगल ऐप पर, वहाँ पर आपने लिखना है तवक्कलना सर्विस। जैसे ही आप तवक्कलना सर्विस लिखते हैं, आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से फिल आउट करना है। आपके पास इस तरीके का पेज खुलेगा जिसमें आपने विजिटर गल्फ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, आप नीचे जाएंगे साइन अप के बटन पे, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे विजिटर गल्फ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पर इंटर करना है। कोशिश करें कि पासपोर्ट नंबर के अंदर कैप लॉक्स वगैरह जिस तरीके से लिखा हो आपने वही इस्तेमाल करें। जैसे ही आप पासपोर्ट नंबर डालेंगे, उसके बाद आपको इसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। जहां की आपकी नेशनलिटी है, आपने वहां पर इसको सेलेक्ट कर लें। मेरी पाकिस्तान की थी तो मैंने पाकिस्तान की नेशनलिटी को सेलेक्ट किया है। आपकी जो हो आप वो इस्तेमाल करें। आपने नेशनलिटी सेलेक्ट कर ली, इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे पहले आपने एयर पे क्लिक करना है। सबसे पहले आप एयर को क्लिक करके एयर डालेंगे, उसके बाद आपने डे और मंथ को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपने नीचे सेलेक्ट का बटन दबाना है। यहाँ पर उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर शो होगा। मोबाइल नंबर आपके पास लाजमी है कि सऊदी अरब का होना लाजमी है। इसके बाद आप अपना सेल नंबर यहाँ पे डालेंगे। सेल नंबर आपने कोशिश करनी है कि ज़ीरो ना दबाएं, स्टार्ट में ज़ीरो नहीं, क्योंकि इसमें 966 कोड ऑलरेडी डला हुआ है। बहुत सारे हाजी जो हैं इस चीज़ की गलती करते हैं और उनका वेरिफिकेशन कोड नहीं आता। इसके बाद आपने यहाँ टिक करना है टर्म्स एंड कंडीशन पर। इसके बाद आपके पास एक ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन कोड जनरेट होगा जो कि आपके पास मैसेज आएगा। यहाँ पर है 06088 जो कि आपके लॉगिन तवक्कलना का कोड है। इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप ये एंटर करके नेक्स्ट करेंगे, आपको न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड का पेज खुल के सामने आएगा। आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। कोशिश करनी है कि आपके पासवर्ड में एक नंबर होना चाहिए, एक कैपिटल वर्ड होना चाहिए, और इसके अलावा अगर आप कोई स्पेशल करेक्टर डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद देखें सारी चीज़ें नीचे की ग्रीन शो करने का ये मतलब है कि आपका पासवर्ड बिल्कुल ओके है। अगर कोई भी रेड लाइन आती है तो इसका मतलब है पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं हुआ। जैसे ही आप इसको पासवर्ड इंटर करते हैं, आपके पास ये आईडी बन जाती है जिसमें आपका पासपोर्ट नंबर, नेशनलिटी और आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। इसके बाद आपने टॉप सर्विस पे जाना है और वहाँ पर प्रेइंग इन नोबल राउदा मैन सेलेक्ट करना है। औरतें अपना वुमेन वाला सेलेक्ट करेंगी जबकि मर्द जो हैं अपना मेंस वाला सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको परमिट डेट सेलेक्ट करनी है कि कौन से दिन पर आपने जाना है। इसमें देखें एक येलो आ रहा है, ग्रीन आ रहा है और एक रेड आ रहा है। ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि इसके अंदर कैपेसिटी कितनी है। ट्यूसडे में है मीडियम और ग्रीन के अंदर है लो और हाई जो है वो रेड है, ठीक है। इसके बाद आपने अपनी मन पसंदीदा डेट को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे वो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, ठीक है। आप इसके बाद लोकेशन पॉलिसी आती है, इसको ऑन करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप कहाँ के सिटी के अंदर नज़दीक हैं, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे मदीना, ठीक है। इसके बाद आपको इस तरीके का परमिट मिल जाएगा जिसके अंदर आपकी सारी अपॉइंटमेंट डेट वगैरह लिखी हुई होगी कि आपकी क्या टाइमिंग है, आपको कब आना है, किस दिन आना है, और इस तरीके का आपको परमिट स्टार्टिंग टाइम मिल जाएगा। तो इस परमिट को आपने मदीना मुनव्वरा के एक कैबिनेट रूम में दिखाना है जो कि रियाजुल जन्ना के मेन एंट्रेंस गेट पर होती है। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। नोमी इन्फो वर्ल्ड में अल्लाह हाफिज़।